कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान परिसर में चिकित्सकीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। डीपीसी के डोंगरे ने बताया कि विद्यार्थियों के पूरक परीक्षण शिविर में पालकों को भी बुलाया गया था, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही पालकों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने एवं कैसे लाभ ले इसकी जानकारी दी गई। डोंगरे के मुताबिक शासकीय एवं निजी स्कूलों में 5400 दिव्यांग बच्चे दर्ज हैं। इनका पूर्व में शिविर आयोजन हो चुका है। छोटे बच्चों का सोमवार को पूरक शिविर आयोजित हुआ, जिसमें विद्यार्थियों का विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान एलिम्को की ओर से बच्चों की नाप तोल कर उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए चयनित किया गया। जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं थे उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी बनाए गए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दिव्यांग बच्चे जो हमारे शालाओं में पढ़ रहे हैं, शासकीय शासकीय विद्यालय, उन बच्चों के पालकों को बुलाया हमने। शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और उन योजनाओं को हम सभी पालकों को अवगत कराना चाहते हैं, और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं सभी पालकों को कि इन बच्चों की शिक्षा में कहीं भी बाधा ना बने, हमें अवगत कराते रहें, कहीं पर कोई दिक्कत आए तो हमें बताएं। सर अब तक कितने पंजीयन हो चुके हैं और जो बच्चे अगर पाए जाते हैं मरीज तो उनको कहाँ मतलब किस तरह भिजवाया जाएगा? हमारे यहाँ जिले में कक्षा पहली से बारहवीं तक शासकीय अशासकीय विद्यालयों में 5400 के लगभग हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं। हम इन विद्यार्थियों का कैंप लगाते हैं। इन विद्यार्थियों के कैंप में हम एलिंको के माध्यम से पूरा परीक्षण करवाते हैं। हमारे जिला चिकित्सालय से डॉक्टर्स भी उपस्थित होते हैं, उनके प्रमाण पत्र यदि नहीं बने हैं प्रमाण पत्र बनवाते हैं, और उनको जितने भी शासन की योजनाएं हैं उनका हम पूरा उनको बताना चाहते हैं कि ये योजनाएँ हैं। तो ये चूँकि ये शिविर दूसरा पूरक शिविर है, पहले हम लगा चुके हैं, कुछ बच्चे रह गए थे, पालक रह गए थे, तो उनको हमने आज फिर यहाँ आमंत्रित किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।